सो व्हाट्सअप एवरीबडी गाइस, आप सबका स्वागत है आपके भाई के चैनल में। सो गाइस, आज की प्लानिंग ऐसी है कि आज हम लोग जा रहे हैं वाटर पार्क। सो गाइस, फाइनली हम लोग निकल चुके हैं। सो गाइस, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं डी अटलांटिस, पीछे देख सकते हो। सो व्हाट्सअप एवरीबडी गाइस, आप सबका स्वागत है आपके भाई के चैनल में रॉयल ट्रैकर ब्लॉग। सो गाइस, आज की प्लानिंग ऐसी है कि आज हम लोग जा रहे हैं वाटर पार्क, एक सस्ता और सबसे बढ़िया वाटर पार्क जा रहे हैं। तो गाइस, अभी फिलहाल हम लोग हैं यहाँ पे मानसरोवर स्टेशन पे, और मेरे साथ है मेरे भाई लोग, मेरे जिगरी तमन्ना यारो लोग। तो यहाँ पे देख सकते हैं पीछे सब मेरे भाई लोग हैं सब। तो प्लानिंग चल रही है फुल, कैसा जाने का है, और यहाँ से फुल टिकट का कंट्रीब्यूशन चल रहा है, एक एक पैसा निकल रहा है अपनी अपनी जेब से। तो गाइस, ये जो मेरा पैसा ट्रिप का जो विषय है, अपने को ये जो ट्रिप का विषय है अक्षय भाई बताएंगे कि गाइस देखो कैसा है ना, कि हम लोग का ट्रिप का प्लानिंग कम से कम 1.5 महीने से चल रहा था। ठीक है, तो ये वैयक्तिक लेवल पे हम लोग ने पूरा ये ट्रिप प्लान किया था, पर विषय ऐसे ही कुछ कुत्ते लोग हैं जो हमारे ग्रुप में कुछ है, जो कि वैयक्तिक लेवल पे उनके लेवल पे कल या 2-3 दिन तक बोल रहे थे कि सर हम लोग आ रहे हैं, हम आएंगे। ठीक है, तो ऐसा विषय है कि अभी 15 से डायरेक्ट आंकड़ा 7 पे आए। ठीक है, तो अभी विषय, अभी देखो अक्षय भाई भी बताएंगे कि क्या विषय था। पिकनिक का था, तो फिर हम मतलब कैंसिल नहीं कर सकते थे, तो हमको जाना ही था, इसके लिए वो 15 का छोड़ दिया। कैसा है ना दोस्त, साल्टी गई तो भी चलेगा, पर क्या ना धोना मांगता है क्या वैयक्तिक लेवल पे। तो अभी हम लोग ने प्लान डिसाइड किया कल डायरेक्ट एन मौके पे कि बोले भाई चलो अभी पिकनिक जाना है तो जाना है, तो कम से कम 7 लोग अभी अरेंज हो गए, और मचाना तो है क्या बोल रहे हैं। तो इसी मोड पे अभी सीधा टिकट कटा दे, हम मानसरोवर स्टेशन पे है। अब इधर से डायरेक्टली कुरला तो दादर जाएंगे, दादर से डायरेक्टली तो सीधा डायरेक्ट। अभी देखो भाई, हम लोगों ने पहला सोचा था कि हम लोग हमारी बाइक से जाएंगे। ठीक है, पर ऐसा सोचा कि भाई बोलेगी क्या बोलेगा, क्या अपना ना थोड़ा वजन ज़्यादा है। ठीक है, तो अपन सीधा जाएंगे 130 करोड़ की गाड़ी में, तो अभी सीधा वैयक्तिक लेवल पर हम लोग ने तो अच्छे ट्रेन पकड़ा है, और सीधा जाएंगे यहाँ से कुरला, कुरला से चेंज करके दादर जाएंगे, और दादर से सीधा विरार फास्ट पकड़ेंगे। अभी डायरेक्ट मिलते आपको डायरेक्ट विरार पे, और अभी जरा टिकट निकाल दे, कुछ देखते टीसी के साथ कुछ जुगाड़ होता है। तो चलो गाइस, फिर मिलते हैं आगे सीधा। देखो गाइस, इतनी बड़ी रील छप के आई है, अभी जाने का 130 करोड़ में। ठीक है, तो और विषय ऐसा कि नई मुंबई ना भाई, क्लीनलेस एक नंबर है, देख सकते हो सामने। अगर मुंबई में जाओगे ना ये साइड में, तो मुंबई में सब कचरा ही कचरा दिखे यार। यहाँ पर सुबह 5 बजे से ही क्लीनिंग चालू हो जाए, देखो एकदम क्लीन रास्ता एकदम, देख रहे। और ट्रेन आ रही है, चलो भागते हैं, चलो भाई विषय गंभीर। पिकनिक पे ना भाई वैयक्तिक लेवल पे आए, देखो इनकी एंजॉयमेंट देख रहे हो क्या, मेरी नींद, ये मेरी नींद, मेरा चैन मुझे लौटा दो भाई, कहाँ से देंगे क्या विषय है। गाइस देखो, हम लोग विरार में आ चुके हैं, और यहाँ पे डी अटलांटिस वाटर पार्क की बहुत अच्छी सुविधा है। तो यहाँ पे देखो इनका बंदा है, नाव का मित्र ये अविनाश, यहाँ पे ना बोर्ड ले खड़ा है, वो अपने जितने भी डी अटलांटिस जाने वाले जितने भी लोग हैं, तो उनको यहाँ से फ्री पिकअप है। तो मतलब जितने भी लोग आ रहे हैं, तो उनको पता चल रहा है कि एक्चुअली कहाँ से जाना है, और ये बंदा यहाँ पे बोर्ड ले खड़ा है। अप्रिशिएट मित्र, अप्रिशिएट, वन साइड काम चल रहा है अविनाश का। तो चलो गाइस, सीधा जाते सीधा अभी बस में, और ये रही पब्लिक अपनी फुल सोच आके घमा घूम होके, अभी सीधा डायरेक्ट बस पे जाएंगे, और बस से सीधा डी अटलांटिस। अक्षय भाई भी है, वो कोई ढूंढ रहे, उनको मिल नहीं रहा, वो मिल जाएगा जल्दी, टेंशन मत लिए। चलो गाइस, मिलते हैं सीधा डायरेक्ट अभी बस में।
तो गाइस चलते चलते 5 मिनट में हम लोग यहाँ आ गए। व्यवस्था एकदम कड़क है, बहुत बड़ी बस है और अपने को मूविंग बाई करके है वो यहाँ पे, उन्होंने अपने को सपोर्ट किया है। सब अभी जा रहे हैं अंदर, तो देखते इसके अंदर की क्या वाइब है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि हम अकेले नहीं हैं, अंदर पूरा दी अटलांटिस का परिवार लग रहा है। देख के तो ऐसा ही लग रहा है क्योंकि पूरा बस भरा हुआ है और 2-3 ग्रुप्स भी आ रहे हैं, सुना मैंने। मोबिन भाई बोले कि 2-3 ग्रुप्स आ रहा है। तो गाइस देखते हैं अभी क्या अंदर का क्या सिचुएशन है। बस खचाखच भरा हुआ है, खचाखच एकदम। तो मतलब आप सोचो फिर। तो चलो गाइस अभी सीधा बैठते डायरेक्ट बस में और अंदर का एंजॉय लेते। चलो तो गाइस फाइनली हम लोग निकल चुके हैं, बैठे हैं। अपने साथ में रवि भाई और वन साइड गाड़ी मचा रहे भाई। चलो यहाँ से सीधा निकल दे, सीधा चलते वाटर पार्क। कुछ शूट दिखा था वो बस में से। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं डी अटलांटिस। पीछे देख सकते हो बड़े बोर्ड में लिखा हुआ है डी अटलांटिस और पब्लिक बहुत उत्साही है हमारी। और सकते हो सब लोग यहाँ पीछे, ठीक है, सब लोग अभी मचाने के फिराक में, ठीक है। और सब लोग सब लोग सोच रहे हैं कि अंदर कौन सी स्लाइड में जाएंगे, कौन किस में जाएगा, कौन क्या करे। या अभी से सोच रहा है किसी ने, अभी से सोच रहा है वेव पूल में जाओ या मत जाओ। गाइस देखते हैं अभी, इससे पहले खर्चा करते उसके बाद अंदर जाके चर्चा करते। चलो गाइस यहाँ से निकलते आगे, सीधा अंदर मिलते। गाइस फाइनली व्यवहार मिटा के, पैसा वैसा देके सब करके अभी अंदर जा रहे हैं सीधा। सब एंट्री कर रहे हैं और ये लोग ने हम लोग को चूड़ी दी है, नीली चूड़ी। तो चूड़ी के साथ सीधा अंदर एंट्री करते। और ये रहा कुछ अंदर का विषय। बिना किसी चीज के फायर हो गए और सीधा एंजॉयमेंट को चालू करते हुए मेरी बच्ची यहाँ से सीधा चल रहे अंदर। और ये कुछ भाई लोग, चलो गाइस थोड़ा सा भी यहाँ पे लॉकर में अपना सामान रखते, सब कुछ करते और उसके बाद चलते आगे रिसोर्ट का मजा लेते ना मेरी बच्ची। और गाइस अंदर आते हम लोग ने सोचा था कि लॉकर में कपड़ा रखेंगे, कुछ वाइंड अप करेंगे और उसके बाद रिसोर्ट का एंजॉय लेंगे। पर पता चला कि यहाँ पे ना ब्रेकफास्ट का भी विषय चल रहा है। बोला पहले हाथ धो के ले लेते हैं फिर उसके बाद आगे का प्रोसीजर करेंगे। गाइस यहाँ पे देख सकते हो सब लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठे हैं। चलो देखते हैं मेन्यू में क्या है। और हमारे पहले से ही हमारे पहचान वाले आके पहले से ही खाना चालू कर दिए, ठीक है। तो ये होती है दोस्ती यारी, समझ रहे हो। मतलब हम वहाँ पे बैंड ले रहे हैं, ब्लॉग शूट कर रहे हैं और ये लोग यहाँ पे लेके निपट ले। चलो गाइस देखते आगे निकल दे, लेते हैं कुछ तो गए लेने के लिए। देख सकते हैं वन साइड पाव लगा रहे और बस एकदम बढ़िया सा चल रहा है सब खाने पीने का। पाव की लादी निकाल दी भाई ने। और ये नींबू डाला जा रहा है इसमें, ये पहला गिर गया नींबू। और उसके बाद आ गए ये पाव। बिल 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 भाई, क्या नाम क्या तेरा नाम क्या है नाम? और ये रोहिदास भाई यहाँ पे सर्व कर रहे हैं अपने वो
मेरा छोटा छोटा भाई है और ये अपना छोटा चेतन भी है। भाई नाम क्या है? रूपेश। कल्पेश। और ये कल्पेश भाई इधर फुल डाल डवल रहे और डाल रहे। कल्पेश भाई थैंक यू। और फिर आगे अंतिम में गिरा दिया क्या? नहीं नहीं, अंतिम में विषय आ जाता है मसाले का। और ये मसाला चिवड़ा इसमें डाला जा रहा है। बस हो गया भाई। जिस तरह से कुछ ब्रेकफास्ट है, मिसल है, पाव है और पोहा है, देख सकते हो। और यहाँ पे सब हमारी टीम पोहा खा रही है गाइस। एंजॉय द बॉयज द गर्ल्स। तो गाइस अभी यहाँ से हमारा एक्चुअल फन चालू होने वाला है। आप देख सकते हो सब लोग रेडी हो चुके हैं। पब्लिक सब लोगों ने अपना अपना दस्तान पहन लिया है। अभी सब लोग अंदर जाने के लिए रेडी है पूल में। और इधर देख सकते हो पब्लिक पूल मस्ती एंजॉय करिए। तो गाइस चलो हमारे दोस्तों को एंजॉय करते हुए थोड़ा दिखा दे। अपना भाई पहली स्लाइड पे अच्छा थे हुए, इसका अपन थोड़ा एक्सपीरियंस जानते। भाई कैसा लगा आपको? भाई एकदम अच्छा लगा। ऊपर से आया, जब मैं ऊपर से आया तो मुझे थोड़ा डर लगा था, जब मैं बीच में आया तो बहुत मुझे अच्छा लगा। अभी सबसे बड़े पूल में आए और यहाँ पे सचिन भाई अभी जंप मारेंगे, देखते सचिन भाई कैसा मचाते। ठीक है गाइज, यहाँ पे देख सकते हो सामने स्लाइड से, ये सबसे डरावनी स्लाइड है। और ये साइड में छोटी छोटी स्लाइड से। सो फाइनली गाइज हमारा आज का ये जो वाटर पार्क का जो पिकनिक था, मतलब ये मिनी पिकनिक था, ठीक है। तो पिकनिक अभी यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। मतलब अभी शाम के 5 बज रहे, ठीक है। ओवरऑल रिसोर्ट देखा जाएगा तो रिसोर्ट बहुत अच्छा है, खाना वगैरह इनका अच्छा है। बस खाली थोड़ा सा कम यहाँ पे गिर रहा है कि हाइजीन के मामले में, यहाँ पे थोड़ा सा हाइजीन मेंटेन नहीं किया जा रहा है। थोड़ा सा 200-300 रुपए एक्स्ट्रा करके थोड़ा सा अगर हाइजीन मेंटेन करता तो ये रिसोर्ट वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्ट इन विरार ऐसा कहा जा सकता है। तो ये चीज़ पर रिसोर्ट वाले ने गौर करके ये चीज़ में थोड़ा सा चेंजेस करना चाहिए। और गाइस कैसा ना, यहाँ पे जो स्लाइड्स वगैरह है ना, स्लाइड्स वगैरह A1 क्वालिटी, ठीक है। तो स्लाइड्स में बाकी सब यहाँ के जितने भी टेक्सचर्स है पूल्स वगैरह ये सब में यहाँ पे सब A1 है। बाकी सब चीज़ में ये रिसोर्ट मस्त है, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं फिर किसी नए व्लॉग में, किसी और टॉपिक को लेके कोई और। क्योंकि गाइस देखो मेरा चैनल एक्चुअली में ब्लॉगिंग चैनल, ट्रैकिंग ब्लॉगिंग चैनल है, ठीक है। तो ऐसा है कि कुछ पर्सनलिज्म की वजह से मेरे को ट्रैक करना या ये सब चीज़ मतलब अभी मैं कर नहीं सकता। तो कैसा ना, मेरे को ये जो मेरी फ़ैन की जो ये है इच्छाएँ है तो मेरे को कंटिन्यू रखनी पड़ रही है। और हाँ गाइस, सबसे बड़ी बात मैंने ना मेरा लैंग्वेज चेंज किया है। आपने गौर किया है कि मेरे इससे पहले सब चैनल पर जितने भी वीडियो है सब वीडियो ना मराठी में। और ये जो अब से जो स्टार्ट होगा
और सब हिंदी में रहे, बिकॉज कैसे ना यूनिवर्सल लोगों को पता चलना चाहिए कि भाई रॉयल ट्रेकर क्या कर रहा है। कैसा ना बहुत सारे लोगों को मतलब कैसे लोग बोलते कि अरे काय रे मित्रा, तू फक्त मराठीज ब्लॉक करतो, हिंदी ब्लॉक करत नाही, आम्हाला समजत नाही काय काय गोष्टी। तर सो इसके लिए गाईज ना मैंने ना थोडा सा भी पोस्चर चेंज किया है। मैं बहुत सारी चीज़ है जो छोटी छोटी चीज़ है ना वो मराठी में बताने की ट्राई करूँगा, ठीक है, मतलब जो मैं अपने मराठी व्यूवर्स रहेंगे उनके लिए। और गाइज साहब बाजू का नज़ारा एक नंबर है, सीरियसली यहाँ पे ना ऐसा लग रहा है ना कि ना आपने गांव में आए ना इस वाइब है। सीरियसली गाइज देखो ना हर साइड में हरे हरे झाड़। और गाइज ना हम लोग ना दोपहर में ना खाना खाने के बाद ना यहाँ पे ना सोए थे, ये देखो यहाँ पे क्या नींद आई थी दोस्त, एवन नींद, और वो भी मतलब झाड़ की छाव में सोए था, ऐसे नहीं कि मतलब कुछ पत्ता तड़ाला था नीचे, कुछ भी नहीं, ऐसी ग्रास पे सो गए थे। तो गाइज मेरा मानना है कि आप एक बार डी एटलांटिस आओ, यहाँ का वेदर एंजॉय करो, यहाँ पे लोग कैसे हैं, यहाँ के जो फूड वगैरह, फूड भी अच्छा है, ऐसा नहीं कि फूड नहीं अच्छा, फूड वगैरह भी अच्छा है, बट यहाँ पे एक ही चीज़ है कि मैं हाइजीन का थोड़ा सा मेंटेन किया ना तो ये वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्ट और एक्वा पार्क विरार में कहा जाएगा। सो गाइस चलो मिलते हैं किसी और नए ब्लॉक के साथ, किसी और नए जगह को लेके। तब तक सब लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और भाई के चैनल को थोड़ा सा प्यार दो। चलो गाइस इसी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं एंड। बाय बाय, टेक केयर।